हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आप लोगों को आज के हमारे इस ब्रांड न्यू वीडियो में। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी गुंजन सक्सेना दी कारगिल गर्ल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गुंजन सक्सेना दी कारगिल गर्ल जो कि 2020 में रिलीज़ हुई थी एंड एक बहुत ही कमाल की मूवी थी, जिसके बारे में आज हम लोग कम्प्लीटली डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। एंड उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर अभी आप लोग इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर क्लिक करके से ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंच रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जनर के बारे में कि इस मूवी की जनर क्या थी, मींस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको एक्शन सीन्स एंड वॉर सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लोगों ने लाइक किया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानव से इस मूवी को लोगों ने 100% तक लाइक किया गया, मतलब 100% लोगों ने इस मूवी को रोटेन टमाटोज के ऊपर लाइक किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं IMDB की जानव से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDB की जानव से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 55 out of 10, मीन्स 5.5 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDB की जानव से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को 65% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे टाइम ड्यूरेशन की अगर हम लोग बात कर लें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा, तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 1 hour and 52 minutes की, मतलब 1 घंटा और 52 मिनट में कंप्लीट होने वाली एक सुपरहिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मर्तबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे जानवी कपूर जी, मानवी जी, अंगद बेदी जी, पंकज त्रिपाठी जी, रीवा अरोरा, योगेंद्र विक्रम सिंह, विनीत कुमार सिंह एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के स्टारकास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर वगैरह के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर शरण शर्मा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेस के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेस को किसने संभाला। तो यहाँ पर जानवी कपूर जी, पंकज त्रिपाठी जी एंड अंगद बेदी जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूज़िक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूज़िक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूज़िक अगर हम लोग बात कर लें तो जॉन स्टीवर्ट एडियोरी जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूज़िक को संभालते हुए दिखाई देंगे, जबकि सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर अमित त्रिवेदी जी आपको इस मूवी के सॉन्ग को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के रिलीज़ डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज़ डेट क्या है, मीन्स किस डेट पे इस मूवी का रिलीज़ किया गया। तो यहाँ पर 12 अगस्त 2020 इस मूवी की रिलीज़ डेट थी, मतलब 12 अगस्त 2020 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया एंड इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इतनी ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय कर पा रहे थे।
उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं लैंग्वेजेस के बारे में कि किस लैंग्वेज में बनाई गई मूवी थी। जो हिंदी लैंग्वेज में बनाई गई मूवी थी एंड एक बहुत ही कमाल की मूवी थी जिसका राइटर की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर निखिल मेहरोत्रा जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जबकि मेन डायलॉग्स राइटर की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर शरण शर्मा जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को भी संभाला एंड मेन डायलॉग्स को भी राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में, किस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला। तो यहाँ पर मनोज नंदन जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में, किस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल हैं। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड धर्मा प्रोडक्शंस एंड जी स्टूडियोज आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम एंड मिनट्स के बारे में, कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 112 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी, मतलब 112 मिनट में कंप्लीट होने वाली एक सुपरहिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर के बारे में, कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर करण जौहर जी, हीरो यश जौहर जी, अपूर्वा मेहता जी एंड जी स्टूडियोज़ आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में, किस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर नितिन बैद जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में, किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड नेटफ्लिक्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री के बारे में, कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड एक बहुत ही कमाल की मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है, कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली इंजॉय कर पाओगे। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंचती रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं किस मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आप लोगों को आज के हमारे इस ब्रांड न्यू वीडियो में एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी गुंजन सक्सेना दी कारगिल गर्ल के बारे में। जी हां दोस्तों, गुंजन सक्सेना दी कारगिल गर्ल जो कि 2020 में रिलीज़ हुई थी एंड एक बहुत ही कमाल की मूवी थी, जिसके बारे में आज हम लोग कम्प्लीटली डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे, जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जर्नर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। एंड उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर अभी आप लोग इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर क्लिक करके सेल पर सेट कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंच रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जर्नर के बारे में, कि इस मूवी की जर्नर क्या थी, मींस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको एक्शन सीन्स एंड वॉर सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में, कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लोगों ने लाइक किया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानव से इस मूवी को लोगों ने 100% तक लाइक किया गया, मतलब 100% लोगों ने इस मूवी को रोटेन टमाटोज के ऊपर लाइक किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं IMDB की जानव से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDB की जानव से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 55 आउट ऑफ 10, मीन्स 5.5 आउट ऑफ 10
कैप्टन जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी स्मोई को IMDB की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूज़र्स की जानब से स्मोई को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूज़र्स की जानब से स्मोई को 65% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली स्मोई के पीछे टाइम ड्यूरेशन की अगर हम लोग बात कर लें कि स्मोई की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा, तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 1 hour and 52 minutes की है, मतलब 1 hour and 52 minutes में कंप्लीट होने वाली एक सुपरहिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे जाह्नवी कपूर जी, मानवी जी, अंगद बेदी जी, पंकज त्रिपाठी जी, रीवा अरोरा, युगेंद्रा विक्रम सिंह, विनीत कुमार सिंह एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के स्टारकास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर वगैरह के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर शरण शर्मा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेस के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेस को किसने संभाला। तो यहाँ पर जाह्नवी कपूर जी, पंकज त्रिपाठी जी एंड अंगद बेदी जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक अगर हम लोग बात कर लें तो जॉन स्टीवर्ट एडियोरी जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे, जबकि सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर अमित त्रिवेदी जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या है, मीन्स किस डेट पे इस मूवी का रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 12 अगस्त 2020 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 12 अगस्त 2020 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया एंड इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इतनी ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं लैंग्वेजेस के बारे में कि किस लैंग्वेज में बनाई गई मूवी थी। जो हिंदी लैंग्वेज में बनाई गई मूवी थी एंड एक बहुत ही कमाल की मूवी थी, जिसका राइटर की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर निखिल मेहरोत्रा जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जबकि मेन डायलॉग्स राइटर की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर शरण शर्मा जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को भी संभाला एंड मेन डायलॉग्स को भी राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला। तो यहाँ पर मनोज नंदन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की ग्राफिक को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल हैं। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड धर्मा प्रोडक्शंस एंड जी स्टूडियोज आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम एंड मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 112 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी, मतलब 112 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक सुपरहिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर करण जौहर जी, हीरो यश जौहर जी, अपूर्वा मेहता जी एंड जी स्टूडियोज़ आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर नितिन बैद जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड नेटफ्लिक्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड एक बहुत ही कमाल की मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नाम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली इंजॉय कर पाओगे। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बहुत आसानी पहुंचती रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं किस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आप लोगों को आज के हमारे इस ब्रांड न्यू वीडियो में। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी गुंजन सक्सेना दी कारगिल गर्ल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गुंजन सक्सेना दी कारगिल गर्ल जो कि 2020 में रिलीज़ हुई थी एंड एक बहुत ही कमाल की मूवी थी, जिसके बारे में आज हम लोग कम्प्लीटली डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। एंड उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर अभी आप लोग इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर क्लिक करके से ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जनर के बारे में कि इस मूवी की जनर क्या थी, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको एक्शन सीन्स एंड वॉर सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लोगों ने लाइक किया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानव से इस मूवी को लोगों ने 100% तक लाइक किया गया, मतलब 100% लोगों ने इस मूवी को रोटेन टमाटोज के ऊपर लाइक किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं IMDB की जानव से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDB की जानव से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 55 out of 10, मीन्स 5.5 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDB की जानव से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को 65% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे टाइम ड्यूरेशन की अगर हम लोग बात कर लें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा, तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 1 hour and 52 minutes की है, मतलब 1 घंटा और 52 मिनट में कंप्लीट होने वाली एक सुपरहिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मर्तबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे जानवी कपूर जी, मानवीर जी, अंगद बेदी जी, पंकज त्रिपाठी जी, रीवा अरोरा, युगेंद्र विक्रम सिंह, विनीत कुमार सिंह एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर वगैरह के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर शरण शर्मा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला। तो यहाँ पर जानवी कपूर जी, पंकज त्रिपाठी जी एंड अंगद बेदी जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक अगर हम लोग बात कर लें तो जोहान स्टीवर्ट एडियोरी जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे, जबकि सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर अमित त्रिवेदी जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या है, मीन्स किस डेट पे इस मूवी का रिलीज़ किया गया। तो यहाँ पर 12 अगस्त 2020 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 12 अगस्त 2020 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया एंड इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय कर पा रहे थे।
उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं लैंग्वेजेस के बारे में कि किस लैंग्वेज में बनाई गई मूवी थी। जो हिंदी लैंग्वेज में बनाई गई मूवी थी एंड एक बहुत ही कमाल की मूवी थी, जिसके राइटर की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर निखिल मेहरोत्रा जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जबकि मेन डायलॉग्स राइटर की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर शरण शर्मा जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को भी संभाला है, मेन डायलॉग्स को भी राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में, किस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, तो यहाँ पर मनोज नंदन जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में, किस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है, तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड धर्मा प्रोडक्शंस एंड जी स्टूडियोज आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम एंड मिनट्स के बारे में, कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी, तो यहाँ पर 112 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी, मतलब 112 मिनट में कंप्लीट होने वाली एक सुपर हिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर के बारे में, कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे, तो यहाँ पर करण जौहर जी, हीरो यश जौहर जी, अपूर्वा मेहता जी एंड जी स्टूडियोज़ आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर हैं एडिटर के बारे में, किस मूवी के एडिटर कौन से थे, तो यहाँ पर नितिन बैद जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में, किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड नेटफ्लिक्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री के बारे में, कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी, तो इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड एक बहुत ही कमाल की मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है, कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नाम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली इंजॉय कर पाओगे। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँचती रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं किस मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आप लोगों को आज के हमारे इस ब्रांड न्यू वीडियो में एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी गुंजन सक्सेना दी कारगिल गर्ल के बारे में। जी हां दोस्तों, गुंजन सक्सेना दी कारगिल गर्ल जो कि 2020 में रिलीज़ हुई थी एंड एक बहुत ही कमाल की मूवी थी, जिसके बारे में आज हम लोग कम्प्लीटली डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे, जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जर्नर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। एंड उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर अभी आप लोग इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर क्लिक करके से ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंच रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जर्नर के बारे में, कि इस मूवी की जर्नर क्या थी, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको एक्शन सीन्स एंड वॉर सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में, कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लोगों ने लाइक किया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानव से इस मूवी को लोगों ने 100% तक लाइक किया गया, मतलब 100% लोगों ने इस मूवी को रोटेन टमाटोज के ऊपर लाइक किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं IMDB की जानव से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDB की जानव से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 55 आउट ऑफ 10, मीन्स 5.5 आउट ऑफ 10
हैं जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDB की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को 65% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे टाइम ड्यूरेशन की अगर हम लोग बात कर लें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा, तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 1 hour and 52 minutes की है, मतलब 1 hour and 52 minutes में कंप्लीट होने वाली एक सुपरहिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मर्तबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में। इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं, तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे जानवी कपूर जी, मानवी जी, अंगद बेदी जी, पंकज त्रिपाठी जी, रीवा अरोरा, युगेंद्रा विक्रम सिंह, विनीत कुमार सिंह एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर वगैरह के बारे में। इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे, तो यहाँ पर शरण शर्मा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला। तो यहाँ पर जानवी कपूर जी, पंकज त्रिपाठी जी एंड अंगद बेदी जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूज़िक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूज़िक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूज़िक अगर हम लोग बात कर लें तो जॉन स्टीवर्ट एडियोरी जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूज़िक को संभालते हुए दिखाई देंगे, जबकि सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर अमित त्रिवेदी जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या है, मीन्स किस डेट पे इस मूवी का रिलीज़ किया गया। तो यहाँ पर 12 August 2020 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 12 August 2020 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया एंड इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इतनी ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं लैंग्वेजेस के बारे में कि किस लैंग्वेज में बनाई गई मूवी थी, जो हिंदी लैंग्वेज में बनाई गई मूवी थी एंड एक बहुत ही कमाल की मूवी थी, जिसका राइटर की अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर निखिल मेहरोत्रा जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जबकि मेन डायलॉग्स राइटर की अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर शरण शर्मा जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को भी संभाला है, मेन डायलॉग्स को भी राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला। तो यहाँ पर मनोज नंदन जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल हैं। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड धर्मा प्रोडक्शंस एंड जी स्टूडियोज़ आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम एंड मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 112 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी, मतलब 112 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक सुपरहिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर करण जौहर जी, हीरो यश जौहर जी, अपूर्वा मेहता जी एंड जी स्टूडियोज़ आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर हैं एडिटर के बारे में किस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर नितिन बैद जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड नेटफ्लिक्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड एक बहुत ही कमाल की मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली इंजॉय कर पाओगे। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं किस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर,
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आप लोगों को आज के हमारे इस ब्रांड न्यू वीडियो में। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी गुंजन सक्सेना दी कारगिल गर्ल के बारे में। जी हां दोस्तों, गुंजन सक्सेना दी कारगिल गर्ल जो कि 2020 में रिलीज़ हुई थी एंड एक बहुत ही कमाल की मूवी थी, जिसके बारे में आज हम लोग कम्प्लीटली डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जर्नर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। एंड उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर अभी आप लोग इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर क्लिक करके से ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जर्नर के बारे में कि इस मूवी की जर्नर क्या थी, मींस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको एक्शन सीन्स एंड वॉर सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लोगों ने लाइक किया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानव से इस मूवी को लोगों ने 100% तक लाइक किया गया, मतलब 100% लोगों ने इस मूवी को रोटेन टमाटोज के ऊपर लाइक किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं IMDB की जानव से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDB की जानव से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 55 out of 10, मीन्स 5.5 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDB की जानव से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को 65% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे टाइम ड्यूरेशन की अगर हम लोग बात कर लें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा, तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 1 hour and 52 minutes की, मतलब 1 घंटा और 52 मिनट में कंप्लीट होने वाली एक सुपरहिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मर्तबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे जाह्नवी कपूर जी, मानव वीर जी, अंगद बेदी जी, पंकज त्रिपाठी जी, रीवा अरोरा, योगेंद्रा विक्रम सिंह, विनीत कुमार सिंह एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के स्टारकास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर वगैरह के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर शरण शर्मा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेस के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेस को किसने संभाला। तो यहाँ पर जाह्नवी कपूर जी, पंकज त्रिपाठी जी एंड अंगद बेदी जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक अगर हम लोग बात कर लें तो जॉन स्टीवर्ट एडियोरी जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे, जबकि सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर अमित त्रिवेदी जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या है, मीन्स किस डेट पे इस मूवी का रिलीज़ किया गया। तो यहाँ पर 12 अगस्त 2020 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 12 अगस्त 2020 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया एंड इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इतनी ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय कर पा रहे थे।
उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं लैंग्वेजेस के बारे में कि किस लैंग्वेज में बनाई गई मूवी थी। जो हिंदी लैंग्वेज में बनाई गई मूवी थी एंड एक बहुत ही कमाल की मूवी थी जिसका राइटर की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर निखिल मेहरोत्रा जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जबकि मेन डायलॉग्स राइटर की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर शरण शर्मा जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को भी संभाला एंड मेन डायलॉग्स को भी राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में, किस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, तो यहाँ पर मनोज नंदन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में, किस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल हैं, तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड धर्मा प्रोडक्शंस एंड जी स्टूडियोज़ आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम एंड मिनट्स के बारे में, कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी, तो यहाँ पर 112 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी, मतलब 112 मिनट में कंप्लीट होने वाली एक सुपरहिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर के बारे में, कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे, तो यहाँ पर करण जौहर जी, हीरो यश जौहर जी, अपूर्वा मेहता जी एंड जी स्टूडियोज़ आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में, किस मूवी के एडिटर कौन से थे, तो यहाँ पर नितिन बैद जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में, किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड नेटफ्लिक्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री के बारे में, कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी, तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड एक बहुत ही कमाल की मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली इंजॉय कर पाओगे। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं किस मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आप लोगों को आज के हमारे इस ब्रांड न्यू वीडियो में एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी गुंजन सक्सेना दी कारगिल गर्ल के बारे में। जी हां दोस्तों, गुंजन सक्सेना दी कारगिल गर्ल जो कि 2020 में रिलीज़ हुई थी एंड एक बहुत ही कमाल की मूवी थी जिसके बारे में आज हम लोग कम्प्लीटली डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे, जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जर्नर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। एंड उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर अभी आप लोग इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंच रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जर्नर के बारे में कि इस मूवी की जर्नर क्या थी, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको एक्शन सीन्स एंड वॉर सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रोटेन टमाटोज़ के यूज़र्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लोगों ने लाइक किया। तो रोटेन टमाटोज़ के यूज़र्स की जानव से इस मूवी को लोगों ने 100% तक लाइक किया गया, मतलब 100% लोगों ने इस मूवी को रोटेन टमाटोज़ के ऊपर लाइक किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं IMDB की जानव से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDB की जानव से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 55 आउट ऑफ 10, मीन्स 5.5 आउट ऑफ 10
कैन जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी स्मोई को IMDB की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूज़र्स की जानब से स्मोई को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूज़र्स की जानब से इस स्मोई को 65% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली स्मोई के पीछे टाइम ड्यूरेशन की अगर हम लोग बात कर लें कि स्मोई की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा, तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 1 hour and 52 minutes की है। मतलब 1 hour and 52 minutes में कंप्लीट होने वाली एक सुपरहिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे जानवी कपूर जी, मानवीर जी, अंगद बेदी जी, पंकज त्रिपाठी जी, रीवा अरोरा, युगेंद्रा विक्रम सिंह, विनीत कुमार सिंह एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के स्टारकास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर वगैरह के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर शरण शर्मा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेस के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेस को किसने संभाला। तो यहाँ पर जानवी कपूर जी, पंकज त्रिपाठी जी एंड अंगद बेदी जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक अगर हम लोग बात कर लें तो जॉन स्टीवर्ट एडियोरी जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे, जबकि सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर अमित त्रिवेदी जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या है, मीन्स किस डेट पे इस मूवी का रिलीज़ किया गया। तो यहाँ पर 12 अगस्त 2020 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 12 अगस्त 2020 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया एंड इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इतनी ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं लैंग्वेजेस के बारे में कि किस लैंग्वेज में बनाई गई मूवी थी। जो हिंदी लैंग्वेज में बनाई गई मूवी थी एंड एक बहुत ही कमाल की मूवी थी, जिसका राइटर की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर निखिल मेहरोत्रा जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जबकि मेन डायलॉग्स राइटर की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर शरण शर्मा जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को भी संभाला एंड मेन डायलॉग्स को भी राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला। तो यहाँ पर मनोज नंदन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल हैं। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड धर्मा प्रोडक्शंस एंड जी स्टूडियोज़ आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम एंड मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 112 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी, मतलब 112 मिनट में कंप्लीट होने वाली एक सुपरहिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर करण जौहर जी, हीरो यश जौहर जी, अपूर्वा मेहता जी एंड जी स्टूडियोज़ आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर नितिन बैद जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड नेटफ्लिक्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड एक बहुत ही कमाल की मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नाम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली इंजॉय कर पाओगे। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बहुत आसानी पहुंचती रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं किस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आप लोगों को आज के हमारे इस ब्रांड न्यू वीडियो में। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी गुंजन सक्सेना दी कारगिल गर्ल के बारे में। जी हां दोस्तों, गुंजन सक्सेना दी कारगिल गर्ल जो कि 2020 में रिलीज़ हुई थी एंड एक बहुत ही कमाल की मूवी थी, जिसके बारे में आज हम लोग कम्प्लीटली डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। एंड उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर अभी आप लोग इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर क्लिक करके उसे ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जैनर के बारे में कि इस मूवी की जैनर क्या थी, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको एक्शन सीन्स एंड वॉर सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रोटेन टमाटोज के यूज़र्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लोगों ने लाइक किया। तो रोटेन टमाटोज के यूज़र्स की जानव से इस मूवी को लोगों ने 100% तक लाइक किया गया, मतलब 100% लोगों ने इस मूवी को रोटेन टमाटोज के ऊपर लाइक किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं IMDB की जानव से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDB की जानव से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 55 out of 10, मीन्स 5.5 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDB की जानव से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूज़र्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूज़र्स की जानव से इस मूवी को 65% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे टाइम ड्यूरेशन की अगर हम लोग बात कर लें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा, तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 1 hour and 52 minutes की, मतलब 1 घंटा और 52 मिनट में कंप्लीट होने वाली एक सुपरहिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मर्तबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे जानवी कपूर जी, मानवी जी, अंगद बेदी जी, पंकज त्रिपाठी जी, रीवा अरोरा, युगेंद्रा विक्रम सिंह, विनीत कुमार सिंह एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर वगैरह के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर शरण शर्मा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेस के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेस को किसने संभाला। तो यहाँ पर जानवी कपूर जी, पंकज त्रिपाठी जी एंड अंगद बेदी जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूज़िक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूज़िक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूज़िक अगर हम लोग बात कर लें तो जॉन स्टीवर्ट एडियोरी जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूज़िक को संभालते हुए दिखाई देंगे, जबकि सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर अमित त्रिवेदी जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या है, मीन्स किस डेट पे इस मूवी का रिलीज़ किया गया। तो यहाँ पर 12 अगस्त 2020 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 12 अगस्त 2020 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया एंड इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय कर पा रहे थे।
उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं लैंग्वेजेस के बारे में कि किस लैंग्वेज में बनाई गई मूवी थी। जो हिंदी लैंग्वेज में बनाई गई मूवी थी एंड एक बहुत ही कमाल की मूवी थी, जिसके राइटर की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर निखिल मेहरोत्रा जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जबकि मेन डायलॉग्स राइटर की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर शरण शर्मा जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को भी संभाला है, मेन डायलॉग्स को भी राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में, किस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, तो यहाँ पर मनोज नंदन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में, किस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है, तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड धर्मा प्रोडक्शन एंड जी स्टूडियोज आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम एंड मिनट्स के बारे में, क्या अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी, तो यहाँ पर 112 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी, मतलब 112 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक सुपर हिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर के बारे में, कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे, तो यहाँ पर करण जौहर जी, हीरू यश जौहर जी, अपूर्वा मेहता जी एंड जी स्टूडियोज़ आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में, किस मूवी के एडिटर कौन से थे, तो यहाँ पर नितिन बैद जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में, किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड नेटफ्लिक्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री के बारे में, कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी, तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड एक बहुत ही कमाल की मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है, कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नाम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली इंजॉय कर पाओगे। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं किस मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आप लोगों को आज के हमारे इस ब्रांड न्यू वीडियो में एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी गुंजन सक्सेना दी कारगिल गर्ल के बारे में। जी हां दोस्तों, गुंजन सक्सेना दी कारगिल गर्ल जो कि 2020 में रिलीज़ हुई थी एंड एक बहुत ही कमाल की मूवी थी, जिसके बारे में आज हम लोग कम्प्लीटली डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे, जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। एंड उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर अभी आप लोग इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर क्लिक करके से ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जनर के बारे में, कि इस मूवी की जनर क्या थी, मींस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको एक्शन सीन्स एंड वॉर सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में, कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लोगों ने लाइक किया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानव से इस मूवी को लोगों ने 100% तक लाइक किया गया, मतलब 100% लोगों ने इस मूवी को रोटेन टमाटोज के ऊपर लाइक किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं IMDB की जानव से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDB की जानव से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 55 आउट ऑफ 10, मीन्स 5.5 आउट ऑफ 10
हैं जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मोई को IMDB की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मोई को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मोई को 65% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मोई के पीछे टाइम ड्यूरेशन की अगर हम लोग बात कर लें कि इस मोई की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मोई को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा, तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 1 hour and 52 minutes की है, मतलब 1 hour and 52 minutes में कंप्लीट होने वाली एक सुपरहिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन सा एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे जानवी कपूर जी, मानवी जी, अंगद बेदी जी, पंकज त्रिपाठी जी, रीवा अरोरा, योगेंद्रा विक्रम सिंह, विनीत कुमार सिंह एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर वगैरह के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर शरण शर्मा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेस के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेस को किसने संभाला। तो यहाँ पर जानवी कपूर जी, पंकज त्रिपाठी जी एंड अंगद बेदी जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूज़िक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूज़िक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूज़िक अगर हम लोग बात कर लें तो जॉन स्टीवर्ट एडियोरी जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूज़िक को संभालते हुए दिखाई देंगे। जबकि सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर अमित त्रिवेदी जी आपको इस मूवी के सॉन्ग को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या है, मीन्स किस डेट पे इस मूवी का रिलीज़ किया गया। तो यहाँ पर 12 August 2020 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 12 अगस्त 2020 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया एंड इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इतनी ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं लैंग्वेजेस के बारे में कि किस लैंग्वेज में बनाई गई मूवी थी। जो हिंदी लैंग्वेज में बनाई गई मूवी थी एंड एक बहुत ही कमाल की मूवी थी जिसका राइटर की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर निखिल मेहरोत्रा जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे। जबकि मेन डायलॉग्स राइटर की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर शरण शर्मा जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को भी संभाला एंड मेन डायलॉग्स को भी राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला। तो यहाँ पर मनोज नंदन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल हैं। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड धर्मा प्रोडक्शंस एंड जी स्टूडियोज़ आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम एंड मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 112 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी, मतलब 112 मिनट में कंप्लीट होने वाली एक सुपरहिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर करण जौहर जी, हीरो यश जौहर जी, अपूर्वा मेहता जी एंड जी स्टूडियोज़ आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर नितिन बैद जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की ऑल्टोल एडिटिंग को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड नेटफ्लिक्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड एक बहुत ही कमाल की मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली इंजॉय कर पाओगे। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं किस मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आप लोगों को आज के हमारे इस ब्रांड न्यू वीडियो में। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी गुंजन सक्सेना दी कारगिल गर्ल के बारे में। जी हां दोस्तों, गुंजन सक्सेना दी कारगिल गर्ल जो कि 2020 में रिलीज़ हुई थी एंड एक बहुत ही कमाल की मूवी थी, जिसके बारे में आज हम लोग कम्प्लीटली डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। एंड उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर अभी आप लोग इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर क्लिक करके सेल पर सेट कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंच रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जनर के बारे में कि इस मूवी की जनर क्या थी, मींस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको एक्शन सीन्स एंड वॉर सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लोगों ने लाइक किया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानव से इस मूवी को लोगों ने 100% तक लाइक किया गया, मतलब 100% लोगों ने इस मूवी को रोटेन टमाटोज के ऊपर लाइक किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं IMDB की जानव से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDB की जानव से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 55 out of 10, मीन्स 5.5 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDB की जानव से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को 65% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे टाइम ड्यूरेशन की अगर हम लोग बात कर लें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा, तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 1 hour and 52 minutes की, मतलब 1 घंटा और 52 minute में कंप्लीट होने वाली एक सुपरहिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मर्तबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे जानवी कपूर जी, मानव वीर जी, अंगद बेदी जी, पंकज त्रिपाठी जी, रीवा अरोरा, युगेंद्रा विक्रम सिंह, विनीत कुमार सिंह एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के स्टारकास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर वगैरह के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर शरण शर्मा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेस के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेस को किसने संभाला। तो यहाँ पर जानवी कपूर जी, पंकज त्रिपाठी जी एंड अंगद बेदी जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक अगर हम लोग बात कर लें तो जॉन स्टीवर्ट एडियोरी जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे, जबकि सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर अमित त्रिवेदी जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या है, मीन्स किस डेट पे इस मूवी का रिलीज़ किया गया। तो यहाँ पर 12 August 2020 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 12 August 2020 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया एंड इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय कर पा रहे थे।
उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं लैंग्वेजेस के बारे में कि किस लैंग्वेज में बनाई गई मूवी थी। जो हिंदी लैंग्वेज में बनाई गई मूवी थी एंड एक बहुत ही कमाल की मूवी थी जिसका राइटर की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर निखिल मेहरोत्रा जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जबकि मेन डायलॉग्स राइटर की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर शरण शर्मा जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को भी संभाला एंड मेन डायलॉग्स को भी राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में, किस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, तो यहाँ पर मनोज नंदन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में, किस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है, तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड धर्मा प्रोडक्शंस एंड जी स्टूडियोज आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम एंड मिनट्स के बारे में, कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी, तो यहाँ पर 112 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी, मतलब 112 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर के बारे में, कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे, तो यहाँ पर करण जौहर जी, हीरो यश जौहर जी, अपूर्वा मेहता जी एंड जी स्टूडियोज़ आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में, किस मूवी के एडिटर कौन से थे, तो यहाँ पर नितिन बैद जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में, किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड नेटफ्लिक्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री के बारे में, कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी, तो इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड एक बहुत ही कमाल की मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली इंजॉय कर पाओगे। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंचती रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं किस मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आप लोगों को आज के हमारे इस ब्रांड न्यू वीडियो में एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी गुंजन सक्सेना दी कारगिल गर्ल के बारे में। जी हां दोस्तों, गुंजन सक्सेना दी कारगिल गर्ल जो कि 2020 में रिलीज़ हुई थी एंड एक बहुत ही कमाल की मूवी थी जिसके बारे में आज हम लोग कम्प्लीटली डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे, जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। एंड उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर अभी आप लोग इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंच रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जनर के बारे में कि इस मूवी की जनर क्या थी, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको एक्शन सीन्स एंड वॉर सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लोगों ने लाइक किया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानव से इस मूवी को लोगों ने 100% तक लाइक किया गया, मतलब 100% लोगों ने इस मूवी को रोटेन टमाटोज के ऊपर लाइक किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं IMDB की जानव से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDB की जानव से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 55 आउट ऑफ 10, मीन्स 5.5 आउट ऑफ 10
रिटर्न जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मोई को IMDB की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मोई को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मोई को 65% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मोई के पीछे टाइम ड्यूरेशन की अगर हम लोग बात कर लें कि इस मोई की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मोई को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा, तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 1 hour and 52 minutes की है। मतलब 1 hour and 52 minutes में कंप्लीट होने वाली एक सुपरहिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे जानवी कपूर जी, मानवीर जी, अंगद बेदी जी, पंकज त्रिपाठी जी, रीवा अरोरा, योगेंद्रा विक्रम सिंह, विनीत कुमार सिंह एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर वगैरह के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर शरण शर्मा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेस के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेस को किसने संभाला। तो यहाँ पर जानवी कपूर जी, पंकज त्रिपाठी जी एंड अंगद बेदी जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक अगर हम लोग बात कर लें तो जोहान स्टीवर्ट एडियोरी जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे। जबकि सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर अमित त्रिवेदी जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या है, मीन्स किस डेट पे इस मूवी का रिलीज़ किया गया। तो यहाँ पर 12 अगस्त 2020 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 12 अगस्त 2020 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया एंड इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं लैंग्वेजेस के बारे में कि किस लैंग्वेज में बनाई गई मूवी थी। जो हिंदी लैंग्वेज में बनाई गई मूवी थी एंड एक बहुत ही कमाल की मूवी थी जिसके राइटर की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर निखिल मेहरोत्रा जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे। जबकि मेन डायलॉग्स राइटर की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर शरण शर्मा जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को भी संभाला है, मेन डायलॉग्स को भी राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला। तो यहाँ पर मनोज नंदन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की ग्राफिक को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल हैं। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड धर्मा प्रोडक्शंस एंड जी स्टूडियोज़ आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम एंड मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 112 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी, मतलब 112 मिनट में कंप्लीट होने वाली एक सुपरहिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर करण जौहर जी, हीरू यश जौहर जी, अपूर्वा मेहता जी एंड जी स्टूडियोज़ आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर नितिन बैद जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड नेटफ्लिक्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी। तो इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड एक बहुत ही कमाल की मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नाम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली इंजॉय कर पाओगे। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँचती रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं किस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आप लोगों को आज के हमारे इस ब्रांड न्यू वीडियो में। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी गुंजन सक्सेना दी कारगिल गर्ल के बारे में। जी हां दोस्तों, गुंजन सक्सेना दी कारगिल गर्ल जो कि 2020 में रिलीज़ हुई थी एंड एक बहुत ही कमाल की मूवी थी, जिसके बारे में आज हम लोग कम्प्लीटली डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। एंड उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर अभी आप लोग इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर क्लिक करके से ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंच रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जनर के बारे में कि इस मूवी की जनर क्या थी, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको एक्शन सीन्स एंड वॉर सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लोगों ने लाइक किया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानव से इस मूवी को लोगों ने 100% तक लाइक किया गया, मतलब 100% लोगों ने इस मूवी को रोटेन टमाटोज के ऊपर लाइक किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं IMDB की जानव से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDB की जानव से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 55 out of 10, मीन्स 5.5 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDB की जानव से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को 65% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे टाइम ड्यूरेशन की अगर हम लोग बात कर लें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा, तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 1 hour and 52 minutes की है, मतलब 1 घंटा और 52 मिनट में कंप्लीट होने वाली एक सुपरहिट मूवी है, जिससे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मर्तबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे जानवी कपूर जी, मानवी जी, अंगद बेदी जी, पंकज त्रिपाठी जी, रीवा अरोरा, युगेंद्रा विक्रम सिंह, विनीत कुमार सिंह एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर वगैरह के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर शरण शर्मा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेस के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेस को किसने संभाला। तो यहाँ पर जानवी कपूर जी, पंकज त्रिपाठी जी एंड अंगद बेदी जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक अगर हम लोग बात कर लें तो जॉन स्टीवर्ट एडियोरी जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे, जबकि सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर अमित त्रिवेदी जी आपको इस मूवी के सॉन्ग को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या है, मीन्स किस डेट पे इस मूवी का रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 12 अगस्त 2020 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 12 अगस्त 2020 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया एंड इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इतनी मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय कर पा रहे थे।
उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं लैंग्वेजेस के बारे में कि किस लैंग्वेज में बनाई गई मूवी थी। जो हिंदी लैंग्वेज में बनाई गई मूवी थी एंड एक बहुत ही कमाल की मूवी थी जिसके राइटर की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर निखिल मेहरोत्रा जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जबकि मेन डायलॉग्स राइटर की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर शरण शर्मा जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को भी संभाला है, मेन डायलॉग्स को भी राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में, किस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, तो यहाँ पर मनोज नंदन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में, किस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है, तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड धर्मा प्रोडक्शन एंड जी स्टूडियोज आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम एंड मिनट्स के बारे में, क्या अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी, तो यहाँ पर 112 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी, मतलब 112 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर के बारे में, कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे, तो यहाँ पर करण जौहर जी, हीरो यश जौहर जी, अपूर्वा मेहता जी एंड जी स्टूडियोज़ आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर हैं एडिटर के बारे में, किस मूवी के एडिटर कौन से थे, तो यहाँ पर नितिन बैद जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में, किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड नेटफ्लिक्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री के बारे में, कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी, तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड एक बहुत ही कमाल की मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली इंजॉय कर पाओगे। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं किस मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आप लोगों को आज के हमारे इस ब्रांड न्यू वीडियो में एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी गुंजन सक्सेना दी कारगिल गर्ल के बारे में। जी हां दोस्तों, गुंजन सक्सेना दी कारगिल गर्ल जो कि 2020 में रिलीज़ हुई थी एंड एक बहुत ही कमाल की मूवी थी जिसके बारे में आज हम लोग कम्प्लीटली डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे, जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जर्नर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। एंड उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर अभी आप लोग इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर क्लिक करके से आल पर सेट कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंच रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जर्नर के बारे में, कि इस मूवी की जर्नर क्या थी, मींस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको एक्शन सीन्स एंड वॉर सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में, कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लोगों ने लाइक किया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानव से इस मूवी को लोगों ने 100% तक लाइक किया गया, मतलब 100% लोगों ने इस मूवी को रोटेन टमाटोज के ऊपर लाइक किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं IMDB की जानव से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDB की जानव से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 55 आउट ऑफ 10, मीन्स 5.5 आउट ऑफ 10
करते हैं जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी स्मोई को IMDB की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूज़र्स की जानब से स्मोई को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूज़र्स की जानब से इस स्मोई को 65% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली स्मोई के पीछे टाइम ड्यूरेशन की अगर हम लोग बात कर लें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा, तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 1 hour and 52 minutes की है, मतलब 1 hour and 52 minutes में कंप्लीट होने वाली एक सुपरहिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में, इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे जानवी कपूर जी, मानवी जी, अंगद बेदी जी, पंकज त्रिपाठी जी, रीवा अरोरा, योगेंद्रा विक्रम सिंह, विनीत कुमार सिंह एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के स्टारकास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर वगैरह के बारे में, इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर शरण शर्मा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेस के बारे में, कि इस मूवी के स्टारिंग फेस को किसने संभाला। तो यहाँ पर जानवी कपूर जी, पंकज त्रिपाठी जी एंड अंगद बेदी जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में, कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक अगर हम लोग बात कर लें तो जॉन स्टीवर्ट एडियोरी जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे, जबकि सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर अमित त्रिवेदी जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में, कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या है, मीन्स किस डेट पे इस मूवी का रिलीज़ किया गया। तो यहाँ पर 12 अगस्त 2020 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 12 अगस्त 2020 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया एंड इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में जितनी ये मूवी चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं लैंग्वेजेस के बारे में, कि किस लैंग्वेज में बनाई गई मूवी थी। जो हिंदी लैंग्वेज में बनाई गई मूवी थी एंड एक बहुत ही कमाल की मूवी थी, जिसका राइटर की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर निखिल मेहरोत्रा जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जबकि मेन डायलॉग्स राइटर की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर शरण शर्मा जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को भी संभाला एंड मेन डायलॉग्स को भी राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में, किस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला। तो यहाँ पर मनोज नंदन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में, कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल हैं। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड धर्मा प्रोडक्शंस एंड जी स्टूडियोज़ आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम एंड मिनट्स के बारे में, कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 112 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी, मतलब 112 मिनट में कंप्लीट होने वाली एक सुपरहिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर के बारे में, कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर करण जौहर जी, हीरो यश जौहर जी, अपूर्वा मेहता जी एंड जी स्टूडियोज़ आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में, किस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर नितिन बैद जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में, किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड नेटफ्लिक्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री के बारे में, कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड एक बहुत ही कमाल की मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है, कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इन्जॉय कर पाओगे। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं किस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आप लोगों को आज के हमारे इस ब्रांड न्यू वीडियो में। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी गुंजन सक्सेना दी कारगिल गर्ल के बारे में। जी हां दोस्तों, गुंजन सक्सेना दी कारगिल गर्ल जो कि 2020 में रिलीज़ हुई थी एंड एक बहुत ही कमाल की मूवी थी, जिसके बारे में आज हम लोग कम्प्लीटली डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। एंड उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर अभी आप लोग इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर क्लिक करके सेल पर सेट कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंच रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जनर के बारे में कि इस मूवी की जनर क्या थी, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको एक्शन सीन्स एंड वॉर सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रोटेन टमाटोज़ के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लोगों ने लाइक किया। तो रोटेन टमाटोज के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को लोगों ने 100% तक लाइक किया गया, मतलब 100% लोगों ने इस मूवी को रोटेन टमाटोज़ के ऊपर लाइक किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं IMDB की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDB की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 55 out of 10, मीन्स 5.5 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDB की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को 65% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे टाइम ड्यूरेशन की अगर हम लोग बात कर लें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा, तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 1 hour and 52 minutes की है, मतलब 1 घंटा और 52 मिनट में कंप्लीट होने वाली एक सुपरहिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे जानवी कपूर जी, मानवीर जी, अंगद बेदी जी, पंकज त्रिपाठी जी, रीवा अरोरा, युगेंद्र विक्रम सिंह, विनीत कुमार सिंह एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के स्टारकास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर वगैरह के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर शरण शर्मा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेस के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेस को किसने संभाला। तो यहाँ पर जानवी कपूर जी, पंकज त्रिपाठी जी एंड अंगद बेदी जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक अगर हम लोग बात कर लें तो जॉन स्टीवर्ट एडियोरी जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे, जबकि सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर अमित त्रिवेदी जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या है, मीन्स किस डेट पे इस मूवी का रिलीज़ किया गया। तो यहाँ पर 12 अगस्त 2020 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 12 अगस्त 2020 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया एंड इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय कर पा रहे थे।
उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं लैंग्वेजेस के बारे में कि किस लैंग्वेज में बनाई गई मूवी थी। जो हिंदी लैंग्वेज में बनाई गई मूवी थी एंड एक बहुत ही कमाल की मूवी थी, जिसके राइटर की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर निखिल मेहरोत्रा जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जबकि मेन डायलॉग्स राइटर की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर शरण शर्मा जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को भी संभाला है, मेन डायलॉग्स को भी राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में, किस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, तो यहाँ पर मनोज नंदन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में, किस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है, तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड धर्मा प्रोडक्शंस एंड जी स्टूडियोज आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम एंड मिनट्स के बारे में, कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी, तो यहाँ पर 112 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी, मतलब 112 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक सुपर हिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर के बारे में, कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे, तो यहाँ पर करण जौहर जी, हीरो यश जौहर जी, अपूर्वा मेहता जी एंड जी स्टूडियोज़ आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में, किस मूवी के एडिटर कौन से थे, तो यहाँ पर नितिन बैद जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में, किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड नेटफ्लिक्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री के बारे में, कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी, तो इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड एक बहुत ही कमाल की मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है, कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नाम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली इंजॉय कर पाओगे। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं, एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँचती रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं किस मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आप लोगों को आज के हमारे इस ब्रांड न्यू वीडियो में, एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी गुंजन सक्सेना दी कारगिल गर्ल के बारे में। जी हां दोस्तों, गुंजन सक्सेना दी कारगिल गर्ल जो कि 2020 में रिलीज़ हुई थी एंड एक बहुत ही कमाल की मूवी थी, जिसके बारे में आज हम लोग कम्प्लीटली डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे, जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। एंड उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर अभी आप लोग इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर क्लिक करके से ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जनर के बारे में, कि इस मूवी की जनर क्या थी, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको एक्शन सीन्स एंड वॉर सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में, कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लोगों ने लाइक किया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानव से इस मूवी को लोगों ने 100% तक लाइक किया गया, मतलब 100% लोगों ने इस मूवी को रोटेन टमाटोज के ऊपर लाइक किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं IMDB की जानव से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDB की जानव से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 55 आउट ऑफ 10, मीन्स 5.5 आउट ऑफ 10
हैं जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मोहिको IMDB की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मोहिको कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मोहिको 65% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मोहि के पीछे टाइम ड्यूरेशन की अगर हम लोग बात कर लें कि इस मोहि की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मोहि को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा, तो इस मोहि की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 1 hour and 52 minutes की है, मतलब 1 hour and 52 minutes में कंप्लीट होने वाली एक सुपर हिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में। इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं, तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे जानवी कपूर जी, मानवीर जी, अंगद बेदी जी, पंकज त्रिपाठी जी, रीवा अरोरा, युगेंद्रा विक्रम सिंह, विनीत कुमार सिंह एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर वगैरह के बारे में। इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे, तो यहाँ पर शरण शर्मा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेस के बारे में। इस मूवी के स्टारिंग फेस को किसने संभाला, तो यहाँ पर जानवी कपूर जी, पंकज त्रिपाठी जी एंड अंगद बेदी जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में। इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे, तो यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक अगर हम लोग बात कर लें तो जोहान स्टीवर्ट एडियोरी जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे, जबकि सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर अमित त्रिवेदी जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में। किस मूवी की रिलीज डेट क्या है, मीन्स किस डेट पे इस मूवी का रिलीज़ किया गया, तो यहाँ पर 12 अगस्त 2020 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 12 अगस्त 2020 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया एंड इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इतनी मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं लैंग्वेजेस के बारे में कि किस लैंग्वेज में बनाई गई मूवी थी, जो हिंदी लैंग्वेज में बनाई गई मूवी थी एंड एक बहुत ही कमाल की मूवी थी, जिसका राइटर की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर निखिल मेहरोत्रा जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जबकि मेन डायलॉग्स राइटर की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर शरण शर्मा जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को भी संभाला है, मेन डायलॉग्स को भी राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में। किस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, तो यहाँ पर मनोज नंदन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की ग्राफिक को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल हैं, तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड धर्मा प्रोडक्शंस एंड जी स्टूडियोज़ आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम एंड मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी, तो यहाँ पर 112 minutes इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी, मतलब 112 minutes में कंप्लीट होने वाली एक सुपर हिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे, तो यहाँ पर करण जौहर जी, हीरू यश जौहर जी, अपूर्वा मेहता जी एंड जी स्टूडियोज़ आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे, तो यहाँ पर नितिन बैद जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड नेटफ्लिक्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी, तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड एक बहुत ही कमाल की मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नाम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली इंजॉय कर पाओगे। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं किस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आप लोगों को आज के हमारे इस ब्रांड न्यू वीडियो में। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी गुंजन सक्सेना दी कारगिल गर्ल के बारे में। जी हां दोस्तों, गुंजन सक्सेना दी कारगिल गर्ल जो कि 2020 में रिलीज़ हुई थी एंड एक बहुत ही कमाल की मूवी थी, जिसके बारे में आज हम लोग कम्प्लीटली डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। एंड उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर अभी आप लोग इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर क्लिक करके से ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंच रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जनर के बारे में कि इस मूवी की जनर क्या थी, मींस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको एक्शन सीन्स एंड वॉर सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लोगों ने लाइक किया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानव से इस मूवी को लोगों ने 100% तक लाइक किया गया, मतलब 100% लोगों ने इस मूवी को रोटेन टमाटोज के ऊपर लाइक किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं IMDB की जानव से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDB की जानव से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 55 out of 10, मीन्स 5.5 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDB की जानव से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को 65% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे टाइम ड्यूरेशन की अगर हम लोग बात कर लें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा, तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 1 hour and 52 minutes की है, मतलब 1 घंटा और 52 मिनट में कंप्लीट होने वाली एक सुपरहिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मर्तबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे जानवी कपूर जी, मानव वी जी, अंगद बेदी जी, पंकज त्रिपाठी जी, रीवा अरोरा, युगेंद्र विक्रम सिंह, विनीत कुमार सिंह एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर वगैरह के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर शरण शर्मा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेस के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेस को किसने संभाला। तो यहाँ पर जानवी कपूर जी, पंकज त्रिपाठी जी एंड अंगद बेदी जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक अगर हम लोग बात कर लें तो जॉन स्टीवर्ट एडियोरी जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे, जबकि सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर अमित त्रिवेदी जी आपको इस मूवी के सॉन्ग को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या है, मीन्स किस डेट पे इस मूवी का रिलीज़ किया गया। तो यहाँ पर 12 August 2020 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 12 August 2020 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया एंड इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इतनी ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय कर पा रहे थे।
उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं लैंग्वेजेस के बारे में कि किस लैंग्वेज में बनाई गई मूवी थी। जो हिंदी लैंग्वेज में बनाई गई मूवी थी एंड एक बहुत ही कमाल की मूवी थी जिसका राइटर की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर निखिल मेहरोत्रा जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जबकि मेन डायलॉग्स राइटर की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर शरण शर्मा जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को भी संभाला एंड मेन डायलॉग्स को भी राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में, किस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला। तो यहाँ पर मनोज नंदन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में, किस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल हैं। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड धर्मा प्रोडक्शंस एंड जी स्टूडियोज आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम एंड मिनट्स के बारे में, कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 112 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी, मतलब 112 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक सुपरहिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर के बारे में, कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर करण जौहर जी, हीरो यश जौहर जी, अपूर्वा मेहता जी एंड जी स्टूडियोज़ आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में, किस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर नितिन बैद जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में, किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड नेटफ्लिक्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री के बारे में, कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड एक बहुत ही कमाल की मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है, कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली इंजॉय कर पाओगे। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँचती रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं किस मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आप लोगों को आज के हमारे इस ब्रांड न्यू वीडियो में एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी गुंजन सक्सेना दी कारगिल गर्ल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गुंजन सक्सेना दी कारगिल गर्ल जो कि 2020 में रिलीज़ हुई थी एंड एक बहुत ही कमाल की मूवी थी, जिसके बारे में आज हम लोग कम्प्लीटली डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे, जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जॉनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। एंड उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर अभी आप लोग इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर क्लिक करके सेल पर सेट कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंच रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जॉनर के बारे में, कि इस मूवी की जॉनर क्या थी, मींस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको एक्शन सीन्स एंड वॉर सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में, कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लोगों ने लाइक किया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानव से इस मूवी को लोगों ने 100% तक लाइक किया गया, मतलब 100% लोगों ने इस मूवी को रोटेन टमाटोज के ऊपर लाइक किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं IMDB की जानव से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDB की जानव से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 55 आउट ऑफ 10, मीन्स 5.5 आउट ऑफ 10
लेकर जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी स्मोई को IMDB की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूज़र्स की जानब से स्मोई को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूज़र्स की जानब से इस स्मोई को 65% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली स्मोई के पीछे टाइम ड्यूरेशन की अगर हम लोग बात कर लें कि स्मोई की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा, तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 1 hour and 52 minutes की है, मतलब 1 hour and 52 minutes में कंप्लीट होने वाली एक सुपरहिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे जाह्नवी कपूर जी, मानव वीर जी, अंगद बेदी जी, पंकज त्रिपाठी जी, रीवा अरोरा, युगेंद्रा विक्रम सिंह, विनीत कुमार सिंह एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी के स्टारकास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर वगैरह के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर शरण शर्मा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेस के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेस को किसने संभाला। तो यहाँ पर जाह्नवी कपूर जी, पंकज त्रिपाठी जी एंड अंगद बेदी जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूज़िक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूज़िक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूज़िक अगर हम लोग बात कर लें तो जॉन स्टीवर्ट एडियोरी जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूज़िक को संभालते हुए दिखाई देंगे, जबकि सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर अमित त्रिवेदी जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या है, मीन्स किस डेट पे इस मूवी का रिलीज़ किया गया। तो यहाँ पर 12 अगस्त 2020 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 12 अगस्त 2020 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया एंड इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इतनी ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं लैंग्वेजेस के बारे में कि किस लैंग्वेज में बनाई गई मूवी थी। जो हिंदी लैंग्वेज में बनाई गई मूवी थी एंड एक बहुत ही कमाल की मूवी थी, जिसका राइटर की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर निखिल मेहरोत्रा जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जबकि मेन डायलॉग्स राइटर की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर शरण शर्मा जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को भी संभाला एंड मेन डायलॉग्स को भी राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला। तो यहाँ पर मनोज नंदन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की ग्राफिक को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल हैं। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड धर्मा प्रोडक्शंस एंड जी स्टूडियोज आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम एंड मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 112 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी, मतलब 112 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक सुपरहिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर करण जौहर जी, हीरो यश जौहर जी, अपूर्वा मेहता जी एंड जी स्टूडियोज़ आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर नितिन बैद जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड नेटफ्लिक्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड एक बहुत ही कमाल की मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली इंजॉय कर पाओगे। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं किस मूवी के डायरेक्टर पर